जैसे ही अब अफीम या काले सोने की फसल पकने के करीब है, वैसे ही तस्करों की नजर चित्तौड़गढ़ जिले में लगातार बनी हुई है। अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि अफीम के लिए अगर कोई हत्या अथवा कोई बड़ी साजिश हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अवैध अफीम डोडा चूरा की 2021 की एक बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें अफीम तस्करों और पुलिस के बीच में जमकर फायरिंग हुई। पुलिस ने इस दौरान 718 किलो 270 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया। यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने दी। उन्होंने बताया कि बीती रात कपासन थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत अपने जाप्ते के साथ रात को पेट्रोलिंग पर थे। इस दौरान आखिर क्या कुछ हुआ पुलिस और तस्करों के बीच, आइए जानते हैं कपासन थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत और चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव से। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़, राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार। कल रात को मेरे नेतृत्व में कपासन पुलिस की टीम जब नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उसी दरमियान हिंगोरिया से मोतीखेड़ा आने वाले रास्ते पर एक सकड़ी गली थी, जहां पर पुलिस की गाड़ी को देखकर एक इसुजी जो पूरी भरी हुई थी, वो गाड़ी देखते ही एकदम से पीछे बैक हुई और काफ़ी स्पीड से पीछे मुड़ना चाह रही थी। उसी दरमियान वहां पड़े पत्थरों पर गाड़ी चढ़ गई और पलट गई। पलटते ही उसमें सवार व्यक्तियों ने पुलिस पर फायरिंग करना चालू किया। पुलिस दल ने भी जवाबी फायरिंग की और अंधेरे का लाभ प्राप्त करके उसमें सवार दो व्यक्ति भागने में सफल हुए। ग्रामजनों की मदद से उक्त वाहन को तथा उसमें भरा 718 किलो डोडा पोस्त पुलिस ने मौके पर सीज किया। कार्रवाई जारी है और इसकी तफ्तीश जो है रासमी SHO श्री रमेश कविया कर रहे हैं। रात्रि में SHO कपासन हिमांशु सिंह और इनकी टीम अपनी नियमित नाकाबंदी और गश्त कर रहे थे। एक वो परंपरागत रूट है अफीम और डोडा चूरा का, उसके मद्देनज़र तो इनके जाब्ते को देखकर एक इसुजी पिकअप करीब 100-150 मीटर पहले रुक गई और एकदम से बैक करने लगी। तेज़ी से बैक करते हुए पत्थरों से टकरा के पलट गई। उसमें से दो व्यक्ति उतरे, उन्होंने पुलिस जाब्ते पे फायरिंग करी। पुलिस जाब्ते ने भी रिटर्न फायरिंग करी। अंधेरे का लाभ उठा के वो दोनों भाग गए वहाँ से तस्कर। उसके गाड़ी पिकअप के अंदर से 718 किलो डोडा चूरा जब्त हुआ है। इस वर्ष की सबसे बड़ी कार्रवाई SHO कपासन हिमांशु। फायरिंग दोनों तस्करों ने उतरते ही पुलिस जाब्ते की तरफ फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस ने भी रिटर्न फायरिंग करी है। लगभग 7 राउंड पुलिस ने भी फायर करे उन पर। अंधेरा और डिस्टेंस होने की वजह से वो दोनों भागने में कामयाब हो गए। उनकी तलाश जारी है। इसकी तफ्तीश SHO राशमी रमेश कविया जी को दी गई है।